कल जो नोट शेयर किया गया था वो आपने नोट डाउन कर लिया? यस और नो? कुछ भी समझ में नहीं आया. अच्छा ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर है आपका फाइनाइट डिफरेंस. डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स आपको स्टडी करने हैं. इसमें फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड डिफरेंस. ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपको करना क्या है, जो बुक में लिखा हुआ था, दैट इज आपके पास कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, x का वैल्यूज मान लिया गया x नॉट x वन x टू x थ्री डॉट 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 x n तक है, एंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर y नॉट y वन y टू डॉट 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 y n है. टेबल दिख रहा है आपको जो नोट्स मैंने शेयर किया था? हाँ, तो उसमें दिया हुआ है x के करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर x नॉट x वन x टू x n, एंड y का करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है y नॉट y वन y टू डॉट 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 y n. सो आपको क्या करना है, आपको दो कंसेक्यूटिव y के टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है. दो कंसेक्यूटिव y का टर्म्स क्या हुआ, अगर y का वैल्यू है y नॉट y वन y टू y n, तो दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या होगा? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स पिक कीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या निकलेगा? दो करेस्पॉन्डिंग मान लीजिए सेलेक्ट किए, तो पहला डिफरेंस है वाई वन माइनस वाई नॉट. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना, वाई का वैल्यू एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री इस फॉर्म में भी हो सकता है. तो यहाँ पे y नॉट y1 ले रहे हैं, तो आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है. तो y1 माइनस y नॉट निकालिए, इसी को बोला गया है डेल्टा y नॉट. समझ में आया? जो पहला करेस्पॉन्डिंग डिफरेंस मिला उसको नाम दिया गया है डेल्टा y नॉट. ये सिंबल होता है फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसका नाम होगा डेल्टा y नॉट. y नॉट मीन्स लास्ट वाले जो वैल्यू है उसके करेस्पॉन्डिंग इसका नेमिंग किया जाता है. नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या मिलेगा? y2 माइनस y1. अब बताइए इसका नाम क्या देंगे? डेल्टा y1. समझ में आया आप? उसी तरह नेक्स्ट निकाल सकते हो. नेक्स्ट अगर y3 है तो y3 माइनस y2 होगा, उसका नाम होगा डेल्टा y2 एंड सो ऑन. तो लास्ट डिफरेंस क्या मिल रहा है? yn माइनस yn माइनस 1. एंड इसके अकॉर्डिंग बताइए इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? डेल्टा yn माइनस 1. इन जनरल हम लोग f के फॉर्म में भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं. अगर y का वैल्यू एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री मान लीजिए इस फॉर्म में है, तब आप बताइए क्या होगा इसका वैल्यू? इफ y इज एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू डॉट 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 एफ एक्स एन इस फॉर्म में है, तो बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डेल्टा एफ एक्स एन या डेल्टा एफ एक्स. अच्छा, डेल्टा एफ एक्स एन का वैल्यू पहले बताइए. तो अगर आप डेफिनेशन समझ गए हैं क्या होना चाहिए, फिर से बोलिए. नहीं समझ में आया? एन प्लस वन समझ में आया?
जिस फॉर्म में भी वाई का वैल्यू दिया रहे उसके अकॉर्डिंग, और जैसा आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेल्टा डिफाइन कर सकते हैं। तो इन जनरल जो हम लोग लेते हैं, हम लोग डेल्टा एफ एक्स डिफाइन करते हैं। तो इन जनरल समझ गए हैं, तो आप बताइए हाउ विल यू डिफाइन डेल्टा एफ एक्स। इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट देती हूं, आपका एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो एक्स एक्स प्लस एच एक्स प्लस टू एच एक्स प्लस थ्री एच एंड सो ऑन एक्स प्लस एन माइनस वन एच। अगर x का वैल्यूज ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आप बता सकते हो क्या हो जाएगा? y के फॉर्म में क्यों आएगा? एफ एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स h and so on f x plus n minus 1 h। तो कैसा x दिया हुआ है उसके corresponding आप y just उसमें f लगाकर निकाल सकते हो। अगर y given नहीं है, मान लीजिए इससे पहले आपको y, y0, y1, y2, yn given था, नहीं है तो हम लोग x के value में f लगाकर y निकाल सकते हैं। तो अब इसके according बताइए how will you define delta f x? delta f प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन जो आपको याद रखना है। और इसमें एच क्या है? जो डिफरेंस से आपका बढ़ रहा है आगे x का वैल्यू, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एक वर्ड डालते हैं उसके लिए। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग देते हैं हम लोग h के लिए, किस इंटरवल से, किस डिफरेंस से आपका इंटरवल एक्सीड कर रहा है, तो ये h है। कहीं कहीं आपको दिया रहेगा कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी, तो यूनिटी होने का मतलब उस केस में आपको h का वैल्यू 1 ले लेना है। तो वो सब न्यूमेरिकल में आता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि आपको एक बनाना है टेबल और समथिंग जहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिटी होगा, तो वहां पे हम लोग h का वैल्यू 1 लेकर चलेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्लियर है? अब मान लीजिए आपको, हाँ अब आपको इसके बाद दिख रहा होगा हायर ऑर्डर डिफरेंसेस। तो मान लीजिए अब आपको सेकेंड डिफरेंस निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस का ही मैं बात कर रही हूं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस मान लीजिए निकालना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? अब आपको जो सीक्वेंस मिला था डेल्टा के फॉर्म में वो क्या मिला था? जैसे पहला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नाम देंगे उसको? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? तो डेल्टा वाई नॉट्स तो नहीं देंगे यहाँ पे, एफ के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसके फॉर्म में लिखे या इसके फॉर्म में आप बता सकते हैं? इसके फॉर्म में बताइए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम क्या है दिया था मैंने, इस दोनों का डिफरेंस जो निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का, देन डेल्टा एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स प्लस एंड सो। तो दीज आर कॉल्ड, ये जो निकला इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा का पावर 1 है तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो भी आपने निकाला। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का मतलब अब ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
फर्स्ट ऑर्डर से आपको एक सीक्वेंस मिल गया, अब उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से कंसेक्यूटिव नंबर्स को, देन वी विल गेट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस. तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स. क्या लिखेंगे इसको? समझ में आ रहा है? यही है. अब आप चाहें तो इसको और सिंपल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको समझना है और. तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा एफ एक्स प्लस एच इज माइनस एफ एक्स प्लस एच, एंड व्हाट विल बी डेल्टा एफ एक्स? ठीक है, तो ये सबको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं. और तो फाइनली वी विल गेट एफ, ये कहीं कहीं यूज होता है फर्दर, तो आपको बस समझ के रखना है ना. डेल्टा स्क्वायर को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में पूरा एफ के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो ये सब आपको समझना है. तो इट इज एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स. उसी तरह डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच आप अपने से निकाल सकते हैं, बताइए तो वैल्यू कितना आएगा? डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू सिंप्लीफाई एंड टेल मी क्या आ रहा है. पहले अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. एक में एक्स प्लस थ्री एच माइनस सबका यही आ रहा है? वेरी गुड. तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच का मतलब हुआ डेल्टा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस डेल्टा एफ एक्स प्लस एच. फिर डेल्टा एफ एक्स प्लस टू एच का मतलब डालेंगे तो एफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस एफ एक्स प्लस टू एच, इसका मतलब डालेंगे तो माइनस एफ एक्स प्लस टू एच माइनस, तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच. सिमिलरली आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस भी निकाल सकते हो. तो व्हाट अबाउट डेल्टा क्यूब एफ एक्स आपको पूछा जाए? डेल्टा क्यूब एफ एक्स का मतलब दिस इज द मीनिंग. इसको आप ब्रेक कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में ला सकते हो इजीली. ठीक है, अगर आपसे आपको जरूरत है किसी न्यूमेरिकल में तो फिर इसका मतलब लिखेंगे डेल्टा के फॉर्म में, फिर डेल्टा के डेफिनेशन से और ब्रेक करेंगे, सेम वे यहाँ करेंगे और पूरा सिंप्लीफाई करके आप इसको एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो. सो व्हाट अबाउट डेल्टा पावर एन एफ एक्स? क्या लिखेंगे? यस,
ठीक है, इसके बाद शायद मैंने टेबल शेयर किया है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देन डिफरेंस टेबल बनाया गया, तो टेबल यहाँ पे जस्ट मैंने आइडिया के लिए आपको जो बुक में दिया हुआ था शेयर किया है। हम लोग टोटल 3 टाइप्स ऑफ टेबल बनाते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक को बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, एक को बोलते हैं मिक्स्ड। तो यहाँ जो बुक में बना हुआ टेबल आपको दिख रहा है, जो आपको शेयर किया गया है, दैट इज द मिक्स्ड वन, मिक्स टेबल उसको बोलते हैं। तो मैं बैकवर्ड भी हल्का सा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम लोग टेबल में आएंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग काम नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस में आपका x का वैल्यू y का वैल्यू सेम रहता है, डिफरेंस भी हम लोग कंसेक्यूटिव निकालते हैं, बस नेमिंग चेंज है। नेमिंग यहाँ पे हम लोग लास्ट वैल्यू से दे रहे थे, जैसे आप देख रहे हो लास्ट में fx लिखा है, तो यहाँ पे fx लिखना है। बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग फर्स्ट के अकॉर्डिंग नाम देते हैं और आपका सिंबल चेंज होता है। तो हम लोग काम नया कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे बैकवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए, बस समझना है डेफिनेशन को, दैट्स इट। ठीक है, सेम काम है। अगर x का वैल्यू यही लेते हैं हम लोग, x, देन x प्लस एच, x प्लस 2h, x प्लस 3h एंड सो ऑन, x प्लस n माइनस 1h, देन दिस इज द सिंबल डेल, जो फॉरवर्ड में टॉप बनाते हो आप लोग ट्राइंगल जैसा, उसी को जस्ट रिवर्स कर देना है, डेल ट्राइंगल एग्जैक्ट, जस्ट रिवर्स। एंड इसका नाम हम लोग देंगे फर्स्ट सिंबल में। तो फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव को आप सब्ट्रैक्ट करोगे y के वैल्यू में, तो y निकालना है तो जस्ट इसमें f लगा देते हैं, तो आपका फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या आया, यही आया। तो सिर्फ नाम चेंज करना है, नाम बस आपको, अगर डेल बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है तो इसका नाम होगा डेल एफ एक्स प्लस एच, पहला वैल्यू के अकॉर्डिंग, बस डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, क्लियर है। देन टेल मी व्हाट अबाउट डेल एफ एक्स प्लस टू एच, वहां से आपको स्टार्ट करना है, डेल अगर लगा है तो जो लिखा है उसी से स्टार्ट करना है, और डेल्टा लिखा है तो ये वैल्यू आपका लास्ट में जाता है, बस ये डिफरेंस है, ओके। तो इट इज एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, व्हाट अबाउट डेल एफ एक्स प्लस थ्री एच, ओके। तो मान लीजिए हम लोग इन जनरल डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो सोच के बताइए, तो अगर डेल एफ एक्स हम लोग डिफाइन करना चाहिए तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ एक्स, यस इट इज एफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच, जिस इंटरवल से बढ़ रहा है एच को आपको ऐड करते जाना है, अगर आप उसके राइट साइड आ रहे हो लेफ्ट साइड आना है तो एच सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, तो इट इज एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। सेम वे में आप इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाल सकते हो, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, व्हाट अबाउट डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच इज डेल्टा नहीं डेल, डेल पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखें, ठीक है। बैकवर्ड को डेल पढ़ेंगे, फॉरवर्ड को डेल्टा, डेल एफ एक्स प्लस माइनस डेल एफ एक्स, सेम चीज है, जितना डेल्टा मतलब फॉरवर्ड में आपने पढ़ा है सेम है बैकवर्ड के लिए भी, बस नाम चेंज है,
फर्स्ट के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहेगा उसी टर्म से स्टार्ट करना है और उसके प्रीवियस टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेल्टा स्क्वायर निकल जाएगा, डेल्टा क्यूब निकल जाएगा उसी तरह से। फिर आप इसको इसके डेफिनेशन के हिसाब से एफ के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब अपने से कीजिए, समझ में आएगा डेफिनेशन। डेल्टा एन एफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा पावर एन एफ एक्स, यहाँ पे एक ही का कम आ रहा है। यस, तो डेल पावर एन एफ एक्स मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, तो एक पावर कम हो जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा टेबल बना दे रही हूं, आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, बाकी आप आगे पढ़ते रहिए। कंस्ट्रक्शन एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, वो आप अपने से कंस्ट्रक्ट करोगे। हाउ विल वी प्रिपेयर द टेबल वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और हम लोग मिक्स्ड वाला नहीं बनाते हैं, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने बोला है, जैसे आपका क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो फॉरवर्ड बनाने बोला है तो हम लोग अलग टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको देख के ही आप बता सकते हो कि आपका टेबल फॉरवर्ड है। और बैकवर्ड बनाना है तो हम लोग डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, मिक्स्ड वाला कभी कभी बनाते हैं, मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग फॉरवर्ड वाला, ऐसे मैं तीनों बता दे रही हूँ कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या लिखा है? हाँ हाँ उसी को मैं मिक्स्ड बोल रही हूँ, जो लिखा है ना वो मिक्स्ड वाला है। हम लोग फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड मिक्स, तीनों मैं बताऊंगी कैसे बनता है। तो पहले मैं बताती हूँ फॉरवर्ड, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूमेरिकल, इसी के हेल्प से बनाना है। एक्स का वैल्यू रहेगा करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई या एफ एक्स, देन डेल्टा एफ एक्स या डेल्टा वाई का वैल्यू, अगर वाई नॉट वाई वन दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको नेमिंग करना है। तो अगर वाई का वैल्यू वाई नॉट वाई वन दिया हुआ है तो डेल्टा वाई नॉट इसको बोलेंगे, फिर डेल्टा वाई वन बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस बता चुकी हूँ आपको। मान लीजिए मैं एफ एक्स के फॉर्म में ले रही हूँ, तो इसको डेल्टा एफ एक्स लिखेंगे, देन डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो x का वैल्यू मान लीजिए x, x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h, इतना ही लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है, बाकी आपको बुक में 8x 8 तक दिया गया है। तो आप जो काम कर रहे थे जस्ट आपको वही लिखना है, यहाँ पे नया काम नहीं कर रहे। इट इज fx, fx प्लस h, दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यही होता है ना? तो क्योंकि इसका नाम डेल्टा एफ एक्स है, इसको हम लोग फर्स्ट वैल्यू के सामने लिखते हैं। देन नेक्स्ट जो डिफरेंस निकालते हैं उसका नाम क्या होता है? ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा के हिसाब से, फॉरवर्ड डिफरेंस के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? एक्स प्लस एच। समझने के लिए, क्योंकि अभी आप नया है, नए हो, आप पूरा वैल्यू लिखोगे, तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच का मतलब हो गया एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस एच। कॉपी में इसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बेटर समझ में आएगा आपको। Then next difference is, उसका मतलब क्या है आप लिख सकते हो। Then next difference is, अगर मान लीजिए इतना ही वैल्यू है आपके पास,
तो क्या डेल्टा एफ एक्स प्लस फोर एच निकलेगा? नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कम ही ले रही हूँ, फाइनाइट लेकर दिखा रही हूँ। तो अगर मान लीजिए एक्स प्लस फोर एच तक ही वैल्यू है, तो आपका यहीं तक निकलेगा, ये वाला ब्लॉक खाली हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स, यही होगा। दिस माइनस दिस, फिर ये माइनस ये करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच। पूरा वैल्यूज लिखिए, समझ में आएगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। स्पेस के बाद इसका मतलब क्या होता है छोटा छोटा करके लिखिए, एडजस्ट कीजिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज अगेन, इसके बाद कोई वैल्यू मिलेगा आपको? कोई वैल्यू मिलेगा इसके बाद? डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस टू एच मतलब डेल्टा एफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस डेल्टा एफ एक्स प्लस टू एच, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए जो आया यहाँ लिखे, फिर एक खाली हो गया। फिर नेक्स्ट में डेल्टा क्यूब निकालने का मतलब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, देन नेक्स्ट वैल्यू निकलेगा डेल्टा क्यूब एफ एक्स प्लस एच। फिर खत्म हो गया, यानी एक और बनेगा आपका, विच इज डेल्टा पावर फोर एफ एक्स डेल्टा क्यूब एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो ये जो चेन दिख रहा है आपको, इधर से इधर खाली हो रहा है, नीचे से ऊपर, इसको देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। नीचे से एक एक स्टेप आपका खाली होते जाएगा। मान लीजिए यहां भी दो वैल्यू बचेगा आपके न्यूमेरिकल में, तो एक और स्टेप बनेगा डेल्टा पावर फाइव एंड सो ऑन। क्लियर है फॉरवर्ड डिफरेंस? बैकवर्ड में हम लोग इसको इरेज कर दूं, बैकवर्ड में हम लोग नाम कैसा देते हैं? मान लीजिए डाटा तो यही रहेगा, x का वैल्यू यही रहेगा, y का वैल्यू यही रहेगा, आप अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना चाह रहे हो, तो बैकवर्ड में आप नाम क्या देते हो पहले डिफरेंस का? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, उसको बैकवर्ड के हिसाब से अगर नेमिंग करें तो क्या नेमिंग देते हैं? H. तो उसका पोजीशन भी कहां पे लिखूंगी मैं? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, लेकिन नाम क्या आता है? एफ एक्स प्लस एच आता है, इसलिए इसका पोजीशन यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से नहीं। समझ में आ रहा है? इसके हिसाब से पोजीशन आ रहा है ना, x प्लस h के हिसाब से हम लोग उसका नाम दे रहे हैं, तो ये डेल एफ एक्स प्लस एच यहां से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वाले का नाम होगा डेल एफ एक्स प्लस टू एच, मतलब आप जानते हो बगल में सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। थर्ड का नाम होगा डेल एफ एक्स प्लस थ्री एच, देन डेल, किसी को कोई डाउट? मैं पूरा वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, पूरा ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, आपको तो मतलब पता है डेल एफ एक्स प्लस एच का मतलब होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा यहाँ लिखना है। अब फिर नेक्स्ट डेल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो डेल स्क्वायर निकालोगे तो आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये चार डाटा आपके पास है, दो कंसेक्यूटिव लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल के हिसाब से उसका नाम क्या होगा? x प्लस टू एच, तो उसका पोजीशन भी कहां होगा?
एच वाले, ठीक है, तो 2h के सामने हम लोग लिखेंगे, तो नेक्स्ट का नाम हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2h, देन डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस 3h, देन डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस 4h। सिमिलरली डेल क्यूब निकालेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे उसका नाम आएगा एंड फाइनली देखिए पावर 4 तक ही निकल रहा है ये भी। लेकिन आपको टेबल दिख रहा है कैसा बना है, ऊपर से खाली होते जा रहा है ना। फर्स्ट स्टेप खाली हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट वाला वैल्यूज पे आपका डिपेंड करता है। तो अगर आप ऐसा बना रहे हो तो आप टेबल देख के ही बता सकते हो कि आपने बैकवर्ड बनाया। दिस इज नॉट फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ओके, रेज कर दूं। अब जो बुक में बना है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड, वो मैं यूज नहीं करती, क्योंकि या तो हम लोग न्यूमेरिकल फॉरवर्ड पे बेस्ड बनाते हैं या तो हम लोग बैकवर्ड पे बेस्ड बनाते हैं, पर हो सकता है एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन पेपर या कहीं भी आपको मिक्स्ड वाला भी देखने को मिले, तो मिक्स्ड वाला से आप बता नहीं सकते हो, बस डिफरेंस बता सकते हैं वो एग्जैक्ट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है हम लोग नहीं बता सकते हैं। मिक्स्ड वाला में यहाँ पे डेल्टा फॉरवर्ड ही यूज किया गया है ना, डेल्टा या डेल कुछ नहीं लिखेंगे, डेल्टा ऑपरेटर जस्ट यूज करके लिखेंगे, लेकिन ये टेबल से हम लोग बता सकते हैं देख के ही कि ये बैकवर्ड है, नीचे से ऊपर खाली हो रहा है तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो मिक्स्ड वाला के लिए आपको हर एक डाटा के बीच में एक एक गैप रखना है, डायगोनल डिफरेंस टेबल या मिक्स्ड, क्योंकि हम लोग वहां पे बीच में वैल्यू लिखते हैं, तो आपको एक्स का दो वैल्यूज के बीच में एक गैप छोड़ना है। हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं, डायगोनल भी लिखा हुआ है, हर टाइप का जो भी बुक में नाम लिखा हुआ है उससे भी आपको अवेयर रहना है। तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए एक्स है पहला, एक गैप छोड़ेंगे, देन एक्स प्लस एच, फिर एक गैप छोड़ेंगे एक्स प्लस 2h, मान लीजिए 3h तक ही लेती हूँ, समझ में आ रहा है। एक एक गैप छोड़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड में जो लिखते हैं वो मिडिल में लिखते हैं वैल्यूज को। एफ एक्स प्लस एच, ओके, डिफरेंस वही है, ये दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको आपको इस दोनों के बीच में लिखना है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आपका टेबल कहलाएगा मिक्स्ड या डायगोनल, जो भी लिखा हुआ है, मैं इसको मिक्स्ड टेबल बोलती हूँ। डेल्टा ऑपरेटर ही यूज किया गया है, तो डेल्टा एफ एक्स यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, वो लिखने का जरूरत है, डेल्टा एफ एक्स आप लोग जानते हो, फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या नाम देंगे, एक्स प्लस एच, फिर इस दोनों के बीच में लिखना है, बस यही डिफरेंस है, एंड इसका नाम हो जाएगा फिर नेक्स्ट जो निकालेंगे दैट विल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो इस दोनों के बीच में फिर आपको जगह दिख रहा है, तो इट इज डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स ना फॉरवर्ड के हिसाब से, एंड दिस इज डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच, एक और निकलेगा डेल्टा क्यूब एफ एक्स, इट इज डेल्टा क्यूब, दिस वन इज कॉल्ड मिक्स्ड जो बना हुआ है बुक में, अब आपको समझ में आ जाएगा देखकर।
तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, उसका सॉल्यूशन मैंने शेयर नहीं किया है. ट्राई टू मेक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, सेम क्वेश्चन के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डिफरेंस टेबल बनाकर देखिए. ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और शेयर करती हूँ एक एक्सरसाइज से, वो बनाइए. देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एलजेब्रा ऑफ डिफरेंसेस. वो पहले आप अपने से सोचिए, डेल्टा सी जीरो कॉन्स्टेंट टर्म का, डिफरेंसेस का भी मैंने शायद प्रूफ आपको शेयर नहीं किया है आपको खुद से समझने के लिए. तो डेल्टा सी, अगर सी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा सी जीरो क्यों होगा? डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम लोग डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स क्यों लिखेंगे? ट्राई टू सॉल्व दिस. सॉल्व करके जिसका भी हो जाता है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए इसको. और अभी वो टेबल जो बनाया दिया है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका नोट्स में जो लाल दे शेयर किया था, उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डिफरेंस टेबल बनाइए. और एलजेब्रा ऑफ डिफरेंसेस को भी कल थर्सडे है ना, तो कल शायद मेरा क्लास नहीं है, तो फ्राइडे तक के लिए आप लोग ये सब करके रखिए. एलजेब्रा ऑफ डिफरेंसेस का जितना भी पॉइंट्स है सबको प्रूफ करने का कोशिश कीजिए अपने से विदाउट द हेल्प ऑफ बुक. एंड जो टेबल दिया है उसको बनाइए, उसका बोथ फॉरवर्ड एंड डिफरेंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. एक क्वेश्चन देखती हूँ मैं, अगर एक्सरसाइज में मिलता है तो एक दो क्वेश्चन और शेयर कर देती हूँ टेबल बनाने का. ओके यस, आज के लेक्चर का मिल जाएगा रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, 2 घंटे के अंदर आपको टीचमेंट में मिल जाएगा. और ये टॉपिक का मेरे पास रिकॉर्डिंग बना हुआ है, लास्ट बैच को तो मैंने जस्ट रिकॉर्ड करके ही क्लास लिया था, मुझे याद रहता है तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ एक बार. अगर शाम तक मैं नहीं भेजती हूँ तो मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा. ठीक है, यूट्यूब का लेक्चर बना हुआ है, मैं उसको भी शेयर कर दूँगी. पहले पहले शेयर करने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैंने नोट शेयर किया, उसको पढ़िए समझिए क्या दिक्कत हो रहा है, तब आप को क्लास लेने से वो ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ. ओके.